I gave you my heart. नमस्कार दोस्तों, यूनियन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अरहर। अरहर की बोटनिकल नेम की बात करें तो केजानस केजान, नाम क्या हो गया केजानस केजान। फैमिली की अगर बात करें हम तो देखो लेग्यूमिनेसी की भी दलहनी फसल है। इसके बाद में हम बात करें ओरिजिन उत्पत्ति स्थान की, तो ओरिजिन इसका होता है कौन सा, अफ्रीका। इसके बाद में हम बात करें प्रोटीन, तो प्रोटीन होती है इसमें 21%, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट की अगर बात करें हम तो कार्बोहाइड्रेट होती है इसमें 60%। अब आगे बात करें राजस्थान में इसकी खेती कहाँ होती है, तो राजस्थान में इसकी खेती होती है अलवर, झालावाड़, ठीक है। इसके बारे में हम बात करें इसमें यह है सूखा सहनशील पौधा है, सूखा सहनशील पौधा है, सबसे ज्यादा सूखा सहनशील है, ठीक है। इसके बारे में हम बात करें क्लाइमेट, क्लाइमेट की बात करें तो जलवायु इसके लिए गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है, ठीक है। टेम्परेचर की अगर बात करें अपन तो टेम्परेचर होता है 21 से 30 डिग्री सेल्सियस। अब बात करें अपन मृदा की, तो सोयल की बात करें तो सोयल इसके लिए आवश्यक होती है कौन सी, बलुई दोमट मृदा। सोयल की अगर बात करें अपन तो सोयल हो गई बलुई दोमट मृदा। इसके बाद में अपन पीएच मान की बात करें तो पीएच मान होता है इसका 6.5 से 7.5, ठीक है। पीएच मान के बाद अगर हम बात करें तो देखो वेराइटी, वेराइटी किस्म की बात करें तो किस्म का नाम देखो आशा, प्रगति, जागृति, ठीक है। एक है पूसा 33, पूसा 120। अब वेराइटी की वेराइटी के बाद में अपन बात करें सीड रेट की, बीज दर की अगर बात करें अपन तो बीज दर इसके लिए आवश्यक होती है कितनी, सामान्य में बात करें तो सामान्य के लिए 15 से 20 केजी, ठीक है। मिश्रित की अगर बात करें अपन तो मिश्रित में 6 से 8 केजी प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। अब बात करें अपन बीजोपचार की, बीजोपचार की हम बात करें तो बीजोपचार जो इसमें तो करते हैं क्लोरो पायरीफोस, किसे करते हैं क्लोरो पायरीफोस। अगर जेबी की बात करें तो जेबी करते हैं राइजोबियम, और ये करते हैं ट्राइकोडर्मा। ये ट्राइकोडर्मा एक लाभदायक फफूंद होता है, लाभदायक फफूंद, या फिर इसे बोल सकते हैं अपन जैविक उर्वरक, ठीक है। अब देखो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि अरहर में बीज उपचार के लिए जैविक उर्वरक का नाम बताएं, तो कौन सा है, ट्राइकोडर्मा या फिर राइजोबियम। इसके बाद में हम बात करें सिंचाई, तो देखो सिंचाई इसमें करते हैं तो फली आने से पूर्व, सॉरी फूल आने से पूर्व, सिंचाई की अगर बात करें अपन तो फूल आने से पूर्व, और एक करते हैं फली बनते समय। आगे बात करें अपन सिंचाई के बाद में खाद एवं उर्वरक की, खाद एवं उर्वरक की, तो खाद एवं उर्वरक की बात करें तो एफआईएम कितना देते हैं इसमें, एफआईएम बराबर 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर, एक हेक्टेयर में कितना देते हैं 10 से 15 टन। नाइट्रोजन की अगर बात करें तो मैंने बताया था प्लानिंग फसलों में नाइट्रोजन सबसे कम लिया जाता है 10 केजी प्रति हेक्टेयर। इसके बाद में अगर बात करें फास्फोरस, तो फास्फोरस की 60 केजी मात्रा लेते हैं। पोटास की अगर बात करें तो पोटास देते हैं 40 केजी प्रति हेक्टेयर, ठीक है।
अब आगे बात करें खाद उर्वरक के बाद में, देखो एफआईएम कब देते हैं, बुआई से पूर्व डाला जाता है खेत में। नाइट्रोजन की अगर बात करें तो दो भागों में दिया जाता है, फास्फोरस और पोटाश की बात करें तो एक बार में ही दिया जाता है। अब बात करें इसके बाद में खाद उर्वरक के बाद में खरपतवार, तो देखो खरपतवार इसका कोई मुख्य नहीं होता, एक तो लगता है गर्म जलवायु का पौधा, तो जंगली चौलाई। नियंत्रण किसे कहते हैं, जंगली चौलाई का नियंत्रण करते हैं फ्लू क्लोरीन से, फ्लू क्लोरीन की सहायता से क्या करते हैं इसका नियंत्रण करते हैं। इसके बाद में अपन बात करें कीट व रोग की, तो कीट व रोग इसमें लगते हैं सेम मूंग के समान। रोग की बात करें तो रोग जो मूंग में रोग लगते हैं वो भी किसमें लगते हैं, अरहर में लगते हो तो एक नंबर पर है पत्ती धब्बा रोग, दूसरा रोग लगता है झुलसा रोग, तीसरा पित्तशिरा मोजेक रोग, ठीक है। अब इनके नियंत्रण की बात करें तो पत्ती धब्बा का किसे करते हैं, मेनकू देवता क्या करना है छिड़काव करना है, झुलसा रोग का किसे करते हैं कार्बोक्यूरोन से, ठीक है। इसके बाद में बात करें कीट की, तो कीट की बात करें तो वो भी क्या लगेंगे सेम मूंग के समान लगेंगे, तो एक नंबर पर बात करें तनाछेदक, तनाछेदक, दूसरा लगता है दीमक, तीसरा लगता है मोयला, और चौथा कीट कौन सा लगता है सफेद मक्खी। अब इनके नियंत्रण की बात करें अपन, तो इन चारों का नियंत्रण किससे करते हैं, तो कार्बोफ्यूरोन से, कार्बोफ्यूरोन से, और दूसरा क्या लगते हैं मेलाथियान का छिड़काव होना, ठीक है। कीट और रोग के बाद में बात करते हैं अब उपज की, तो देखो कटाई वटाई भी हुई, कटाई के बाद में अपन क्या करेंगे ओसाई और मंडाई। अब ओसाई किसे कहते हैं, कटाई के बाद मशीन द्वारा चारा अलग करना और दाना अलग करना क्या कहलाता है मंडाई कहलाता है। तो अब देखो उपज की बात करें अपन, तो इससे उपज प्राप्त कितनी होती है 6 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। अब चारे की बात करें तो 50 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर क्या प्राप्त होता है चारा प्राप्त होता है, ठीक है। ये आपका रहन पूरा हो गया, धन्यवाद दोस्तों। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें।